श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट एमएस वॉइस में। श्री माधव का आशीर्वाद आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बना रहे। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 11 का। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय में हमने ब्राह्मण और धर्मराज का संवाद सुना था, जिसमें धर्मराज ब्राह्मण को राजा महिरथ की कथा सुना रहे थे। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृतांत। गुरु कश्यप जी द्वारा राजा महिरथ को उपदेश देने पर राजा महिरथ बहुत दुखी हुए और अपने कर्मों पर ग्लानी करने लगा। फिर गुरु कश्यप की आज्ञा अनुसार पूरे भक्ति भाव से वैशाख मास का स्नान दान आदि का नियम शास्त्रीय विधि अनुसार पूरा किया। इसके बाद यमराज बोले, हे ब्राह्मण, एक समय राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें श्रेय का रोग हो गया था, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। अंतोद्गत्वा उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे तथा भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुंचे। विष्णु दूतों ने ये राजा धर्मात्मा है ऐसा कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बिठाकर वे वैकुंठ लोक में ले गए। हे ब्राह्मण, वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करने से राजा का सारा पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत बड़े ही चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नर्क मार्ग के निकट से ले चले। जाते जाते राजा ने नर्क में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नारकीय जीवों का आर्तनाद सुना। कड़ाह में डालकर उंटाए जाने वाले पापियों का क्रंदन बड़ा भयंकर था। सुनकर राजा को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों के कराहने की यह भयंकर आवाज क्यों सुनाई दे रही है? इसमें क्या कारण है? आप लोग सब बातें बताने की कृपा कीजिए। विष्णु दूत बोले, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापाचारी एवं पुण्यहीन हैं, वे तामिस्त्र आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग देने के बाद यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है। उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं। उनको आरी से चीरा जाता है तथा वे भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वे खौलते हुए तेल में उठाए जाते हैं और कहीं उन पर मूसलों की मार पड़ती है और कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं वमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहां शरपत्र वन है, शिलापात के स्थान है, अर्थात जहां पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं और वहां की समतल भूमि भी आग से तपी हुई होती है। इसके सिवा गरम लोहे के, खौलते हुए तेल के, मैदा के, तपे हुए स्तंभ के तथा कूट शालमली नाम के भी नरक हैं। छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण क्षोभ एवं भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है तो कहीं पर पीप से भरे हुए अनेकों कुंड हैं। इन सब में अलग अलग पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे भी हैं जो जंगल के रूप में हैं। वहां के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं। इसी से उन्हें असी पत्र वन कहते हैं। वहां प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लग जाते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार,
तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव अनेक प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते हैं। हे राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराहते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का यह क्रंदन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में वह दुख ही देने वाला होता है। दो घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का आस्वादन अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। हे राजन, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया है। उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया है। उससे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से अब ये नरकवर्ती जीव कराहना छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधक होता है, तथा उसे छू कर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर बड़ा ही सुख देती है। यमराज जी कहते हैं, करुणा के सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की यह बातें सुनकर द्रवित हो उठे। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है, जैसे नवनीत आग की आंच पाकर पिघल जाता है। उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के संताप से संतप्त होकर द्रवित हो उठता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा, इन्हें देखकर मुझे बड़ी ही व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर ना कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये जीव सुखी हुए हैं, तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप दूर करके उन्हें आह्लादित करते हैं, तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्य आत्मा हैं। संसार में वे ही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं, तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान निछावर कर दिया है। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक के ही समान है। इसीलिए साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं। जहाँ नरक में गिरना अच्छा, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा, किंतु पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर किए बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है। यह सुनकर दूत बोले, हे राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयंकर नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान, होम अथवा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया है, मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया है, यज्ञ तपस्या और प्रसन्नता पूर्वक भगवान नामों का जप भी नहीं किया है, वे ही परलोक में आने पर घोर नरकों में पकाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी, व्यवहार में निंदित, दूसरों की बुराई करने वाले एवं पापी हैं, वे ही नरकों में पड़ते हैं। जो पापी अपने मर्म भेदी वचनों से दूसरों का हृदय विदीर्ण कर डालते हैं, तथा जो पराई स्त्रियों के साथ विहार करते हैं, वे नरकों में पकाए जाते हैं। हे महाभाग, हे भोपाल, आओ अब भगवान के धाम को चलें। तुम बहुत ही पुण्यवान हो, इसीलिए अब तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। फिर राजा ने कहा, हे विष्णु दूतगण, यदि मैं पुण्य आत्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग में कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया है, तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जाऊंगा?
आप लोग मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। फिर दूत बोले कि हे राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसीलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञ अनुष्ठान अथवा यज्ञ अवशिष्ट अन्न का भोजन नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया है। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान किया है तथा महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भक्त वत्सल विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक पूजा की है। यह सब पुण्यों का सार है। केवल इस एक ही पुण्य से तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर श्री विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो। हे राजन, जैसे एक ही चिंगारी पड़ जाने से तिनकों की राशि भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वैशाख में प्रातः स्नान करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। जो वैशाख में शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर स्नान करता है, वह हरि भक्त पुरुष अति पापों के समूह से छुटकारा पाकर विष्णु पद को प्राप्त होता है। यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, तब दया सागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित होकर भगवान श्री विष्णु के दूतों से विनय पूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से ये नर्क में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्ग को चले जाएं और मैं इनकी जगह नर्क में निवास करूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए इस प्रकार बोले, हे राजन, इस दया रूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की विशेष वृद्धि हुई है। तुमने वैशाख मास में जो स्नान दान जप होम तप तथा देव पूजन आदि कर्म किए हैं, वे अक्षय फल देने वाले हो गए हैं। जो वैशाख मास में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है, वह सब कामनाओं को प्राप्त होकर श्री विष्णु धाम को जाता है। एक ओर तप दान और यज्ञ आदि के शुभ क्रियाएं और एक ओर विधि पूर्वक आचरण में लाया हुआ वैशाख मास का व्रत हो तो यह वैशाख मास ही महान है। हे राजन, वैशाख मास के एक दिन का भी जो पुण्य है, वह तुम्हारे लिए सब दानों से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है। विशेषतः तुम्हारी दया के कारण धर्म की अधिक वृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों का दुख से उद्धार करता है, वही संसार में पुण्य आत्मा है। उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। हे वीर, वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सब पापों का नाश करने वाला स्नान दान आदि पुण्य किया है, उसे विधिवत भगवान श्री हरि को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा करके इन पापियों के लिए दान कर दो, जिससे ये नर्क से निकलकर स्वर्ग को चले जाएं। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद मिलता है, उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं पा सकता। हे सौम्य, तुम्हारी बुद्धि दया एवं दान में दृढ़ है, इसे देखकर हम लोगों को भी उत्साह होता है। हे राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो अब बिना विलंब किए इन्हें वह पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना के दुख को दग्ध करने वाला है। विष्णु दूतों के ऐसा कहने पर दयालु राजा महिरथ ने भगवान गदाधर को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण कर दिया। वैशाख मास के एक दिन के ही पुण्य का दान करने पर वे सभी जीव यम यातना के दुख से मुक्त हो गए। फिर अत्यंत हर्ष में भरकर वे श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए
और राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वे जगदीश्वर श्री विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिवंदित होकर उस परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। हे द्विज श्रेष्ठ, यह वैशाख मास और पूर्णिमा का कुछ महात्म्य यहाँ थोड़े में बतलाया गया है। यह धन, यश, आयु तथा परम कल्याण प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महात्म्य अंतःकरण को शुद्ध करने वाला और पापों को धो डालने वाला है। माधव मास का यह महात्म्य भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महीरथ का चरित्र और हम दोनों का मनोरम संवाद सुनने, पढ़ने तथा विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त कलेशों का नाश हो जाता है। सूत जी कहते हैं, धर्मराज की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रति वर्ष स्वयं तो विशाख स्नान की विधि का पालन किया ही, दूसरों से भी करवाया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से विशाख मास के पुण्यमय स्नान के प्रसंग में सुनाया है। जो एक चित्त होकर विशाख मास के महात्म्य का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। तो आइए अब सुनते हैं सभी पापों का नाश करने वाला पाप प्रशमन स्तोत्र। पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसीलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित है और विष्णु मुझ में भी स्थित है। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभो, कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। नृसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर,
मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमलनयन, हे लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौटकर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्म्य, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु।